सोसाइटी पे क्या इफेक्ट होता है वो आज के एक्सपेरिमेंट में हम निकालने वाले हैं। सो व्हाट इज अवर प्रैक्टिकल आउटकम, बोले तो प्रैक्टिकल करने के बाद हमें क्या निकालने का है, तो डिटरमाइन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और गिवन लुब्रिकेटिंग ऑयल। सो उससे पहले देखेंगे कि लुब्रिकेटिंग ऑयल और लुब्रिकेंट क्या होता है। लुब्रिकेंट आपने कभी सुना है? लुब्रिकेंट क्या होता है? एक सब्सटेंस होता है जो हम टू मूविंग और स्लाइडिंग सर्फेसेस के बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं। हम समझो ये दो मूविंग सर्फेसेस है, नहीं तो आपने देखा होगा आपकी साइकिल बाइसिकल उसके जो आपने चेन लेती होती है, गियर की साइकिल हो या तो देखा होगा आपने साइकिल की चेन होती है, यहाँ पे गियर जैसे ऐसे ये होता है उस पर स्ट्रेच की हुई होती है। इफ वी आर गोइंग टू पुट द लुब्रिकेंट, इस पे हमने लुब्रिकेंट नहीं ऐड किया तो क्या होगा, वो आवाज करेगी साइकिल, स्मूथली रन होगी कि आपकी नहीं होगी। तो क्या इसको स्मूथ वर्किंग के लिए, ये दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए, जो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ता है, एक सब्सटेंस ऐड करना पड़ता है, वो सब्सटेंस को बोलते हैं लुब्रिकेंट। ओके, सो व्हाट इज लुब्रिकेंट? लुब्रिकेंट इज द सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए जो सब्सटेंस यूज करते हैं उसे लुब्रिकेंट बोलते हैं। ये लुब्रिकेंट कौन सा भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, ओके, और सेमी सॉलिड हो सकता है। तो हम डिटेल में थ्योरी में आप पढ़ेंगे, लेकिन आज हम देखने वाले एक ऑयल दिया है, ऑयल लुब्रिकेटिंग ऑयल, उस पर उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है और ये प्रैक्टिकल क्यों इंक्लूड किया है आपके प्रैक्टिस में, करिकुलम में, क्योंकि इंडस्ट्री देखो हर जगह अलग अलग टेम्परेचर होता है। इन यू आर गोइंग टू इफ यू आर गोइंग इन दी नॉर्दर्न साइड मीन्स टेम्परेचर इज लो देयर, वहां पे टेम्परेचर कम होता है तो क्या होता है उसकी वो ऑयल जो होता है वो इट बिकम्स हेजी क्लम्पी इन अपीयरेंस। जैसे आपने कोकोनट ऑयल देखा होगा विंटर में कैसे होता है, इट इज गोइंग टू बिकम दी क्लाउडी और हेजी इन द अपीयरेंस। ओके, तो हम नहीं यूज कर सकते ज्यादा गाढ़ा होगा तो। और यहाँ पे आप साउथर्न साइड को आएंगे, साउथ साइड को आएंगे तो क्या टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ज्यादा होता है तो क्या होता है उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, रिड्यूस होती है, तो क्या हो जाता है इसमें से बीच में से निकल जा सकता है। अभी मैंने साइकिल का खाली एक एग्जांपल दिया, कौन सी भी मैकेनिकल इंडस्ट्री लो कहाँ पे भी आपके जहाँ पे दो स्लाइडिंग सर्फेस होते हैं और आपने व्हील और एक्सेल देखा होगा कार के, उसके दोनों के बीच में भी हमें लुब्रिकेंट यूज करता है, इंजिन में भी हमें लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करना पड़ता है। सो दैट इन दैट केस इंजिन तो कंटिन्यूअसली टेम्परेचर बढ़ता रहता है तो उसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है विस्कोसिटी पे वो हम देखने वाले हैं। सो व्हाट इज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी किसे बोलते हैं, व्हाट इज विस्कोसिटी आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ये विस्कोसिटी क्या होता है। सो सिंपली आई एम गोइंग टू दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, कौन से भी फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, इट इज गोइंग टू अपोज और इट इज गोइंग टू रेजिस्ट द मूवमेंट बिटवीन दीज टू लेयर, इट इज गोइंग टू रेजिस्ट और अपोज द मूवमेंट। ओके, नाउ मोशन, मोशन और यू कैन से द मूवमेंट आल्सो। नाउ सी मोर विस्कस, मैं इस आपको समझाने के लिए दो एग्जांपल देती हूँ। मोर विस्कस, ज्यादा विस्कोसिटी हुआ आपका, हनी देखा होगा आपने, मोर विस्कस और लेस विस्कस पानी। मोर विस्कस का एग्जांपल हमने लिया हनी, ये क्या है, ये सरफेस है, ये ग्राउंड है, एवरेज टेबल का टॉप लीजिए, यहाँ पे मैंने हनी का ड्रॉप लिया है, हनी ड्रॉप, तो इस दोनों में क्या है ज्यादा अट्रैक्शन है, इट इज नॉट, इट इज गोइंग टू अपोज टू फ्लो, ये अपोज करता है इसलिए ये एक ही जगह बैठता है क्योंकि ये मोर विस्कस है, इन दोनों में क्या है ज्यादा अट्रैक्शन है, इन दोनों लेयर में अट्रैक्शन ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट इज द मोर विस्कस, ये इजीली फ्लो नहीं होता। ये अलग सरफेस में, यहाँ पे मेरा सरफेस है, इस सरफेस पे पानी डाला, लेस विस्कस का एग्जांपल मैंने दिया आपको वाटर, इफ हियर इज द वाटर देन इट इज हियर देयर इज अ लेस अट्रैक्शन बिटवीन दिस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द सरफेस, दैट्स व्हाई इट इज रनिंग आउट, पानी ऐसे एक जगह पे नहीं रुकता, वो क्या होता है चला जाता है, इसलिए ये लेस विस्कस है। सो यहाँ पे मोर विस्कस हनी, हनी एक जगह एक दोनों में अट्रैक्शन है दोनों में, सो इट इज गोइंग टू रेजिस्ट द मोशन और रेजिस्ट टू मूव दैट हनी ऑन दैट सरफेस, दैट्स व्हाई इट इज मोर विस्कस। ओके, सो व्हाट इज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड व्हिच अपोजेस और व्हिच रेजिस्ट द फ्लो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस प्रैक्टिकल, सो आज हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे और उसकी कैसा इफेक्ट होता है विस्कोसिटी पे वो निकालने वाले हैं।
The resources required for this experiment, this is the redwood viscometer 1, इसका जो नाम है इस apparatus को बोलते हैं redwood viscometer 1, यहाँ पे आपको दिखाई होगा, ये अंदर में जो है, ये water bath दिखाई देता होगा आपको, उसे coil है, coil से ये पानी गर्म होता है, okay? और ये मैं निकाल के रखती हूँ, ये अंदर जो देखेंगे आप, okay? ये जो है ये इसे बोलते हैं बॉल वॉल, क्या बोलने का है इसे, बॉल वॉल। और इसके अंदर जो है ये दिखाई देता है सेंटर में आपको होल दिखाई देता है, उसे बोलते हैं जेट। वो जेट और यहाँ पे होल है, वो जेट को हमें क्लोज करने का है। इसमें है जो हम ऑयल लेने वाले हैं, ये अंदर का जो है ना, इसमें हम ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, इंजन ऑयल लेने वाले हैं, जिसकी हम विस्कोसिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी डिटरमाइन करने का है। और ये जो रॉड दिखाई देता है मेरे हाथ में, इसे बोलते हैं बॉल जैसा है ना नीचे में, इसे बोलने का बॉल वॉल। ये क्यों यूज करने का, जो जेट है ना, वो होल है ना, वो होल हमें क्लोज करने का है। आई एम गोइंग टू कीप कीप दिस ऑन द बॉल बॉल वॉल ऑन दैट जेट, जेट पे रख के ये क्लोज करने वाले हैं। ओके, नाउ हियर टू थर्मामीटर्स आर रिक्वायर्ड। ये हमारे पास दो थर्मामीटर है, एक टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर नोट डाउन करने के लिए, और एक जो है ऑयल का। और ये जो लिया है, ये इंजन ऑयल लिया है, आपको दिखाई देता होगा रेड कलर का। ये जो है हमने 25 ml लिया है। क्या करने का है, अभी इस ऑयल को मैं ये अंदर वाला जो है इसमें पोर करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू पोर दैट ऑयल इन दिस, ओके, एंड इट इज क्लोज, क्लोज किया है वो बॉल वॉल से हमने, वो जेट जो है क्लोज किया है। यदि हम ओपन रखते तो पूरा ऑयल नीचे आ जाता। सो दिस इज दी, नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज दैट वन, ये मैं इसे क्लोज करने वाली हूँ। ओके, आई हैव असेंबल दिस रेडवुड विस्कोमीटर। दिस विस्कोमीटर कंसिस्ट ऑफ टू कप्स, एज आई शोड यू, आउटर साइड इट कंसिस्ट ऑफ द वॉटर, इसमें हमने पानी लिया है, और ये कॉइल जो है, कॉइल से पानी गर्म होने वाला है। अंदर का जो कप है, जिसके सेंटर में मैंने आपको जेट दिखाया था, जो छोटा सा होल था, और वो होल हमने किससे क्लोज किया है, और नीचे में बॉल जैसा था, बॉल वॉल बोलते हैं। और ये टेम्परेचर, ऑयल का टेम्परेचर नोट डाउन करने के लिए येलो कलर का थर्मामीटर दिखाई देता है आपको, ये थर्मामीटर। और ये दूसरा जो थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर से मैं पानी का टेम्परेचर नोट डाउन करने वाली हूँ। ओके, सो आपको मैं ऑब्जर्वेशन में दिखाऊंगी, मैनुअल में कैसे रीडिंग लिखने के हैं हमें। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू ऑन दिस। यहाँ से हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देता हूँ टेम्परेचर सेटिंग। यहाँ से मैं आपको ये 40 तक लेके जाती हूँ, 40-45 तक लेके जाती हूँ। ओके, टेम्परेचर सेट किया है। अभी ये अंदर का जो थर्मामीटर है वो ऑयल का टेम्परेचर दिखाएगा, और ये बाहर का जो दिखाई देता है वो पानी का दिखाएगा। ओके, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसे हिला रही हूँ, सो दैट यूनिफॉर्म टेम्परेचर विल बी अटेंड टू ऑल द साइड। सब जगह से टेम्परेचर इक्वल होने के लिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस। ओके, ये घुमा रही हूँ, ये आपको थोड़ा सा देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है 30 डिग्री। यस, फाइन हेयर लाइक लाइन इज देयर। ओके, अप टू 30, यस 30 के यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा। सो हम टेम्परेचर बढ़ाने वाले हैं, अभी ऑयल का टेम्परेचर 35 होने के बाद हम हीटिंग स्टॉप करेंगे। 30 के बाद टेम्परेचर इज रीच्ड टू द 35। नाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप द हीटिंग, एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमूव दिस बॉल, एंड वी हैव टू रिकॉर्ड द टाइम, हाउ मच टाइम इज टेकिंग। सो आई एम गोइंग टू रिमूव, एंड आई एम गोइंग टू स्विच ऑन द स्टॉप वॉच ऑल्सो। मैम शो द स्टॉप वॉच, दिस इज द स्टॉप वॉच। नाउ हियर वी आर गोइंग टू मेजर द टाइम, एंड हियर कॉनिकल फ्लास्क यू हैव टू कीप बिलो द that jet, exactly below that jet. Okay, so should not waste the oil. Okay. Yes. Now all the liquid has came out from that ball inside cup. Now we have to stop the stopwatch. Okay, I have stopped the stopwatch, and I have to means you have to record the reading. Okay, you have to record the reading. You are knowing how to operate that stopwatch and all.
ओके नाउ वी हैव टू टेक द रीडिंग ऑफ 40. नाउ सी यू कैन सी हियर द टेम्परेचर ऑफ ऑयल रीच्ड टू द 42nd रीडिंग एंड दैट टाइम द टेम्परेचर ऑफ वाटर इट इज नियर अबाउट 46 डिग्री सेल्सियस. इट इज 46 डिग्री सेल्सियस और ऑयल का टेम्परेचर 40 हुआ है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करने का है, सेम आई एम गोइंग टू रिमूव दिस बॉल वॉल फ्रॉम दैट. यू कैन सी ऑयल इज कमिंग. ओके इट इज कमिंग मोर फास्टर रेट, द फ्लो रेट इज मोर फास्ट एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन. जब 35 था तब थोड़ा सा स्लोली आ रहा था, लेकिन अब जब टेम्परेचर बढ़ा है देखो वो कैसे जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो इसका फ्लो रेट क्या हुआ है, बड़ा है. अभी हमें स्टॉप वॉच भी हमने शुरू कर दिया है ऑलरेडी, साइमल्टेनियसली वी हैव स्टार्टेड दिस स्टॉप वॉच ऑल्सो एंड वी हैव टू रिकॉर्ड द फ्लो रेट. कितना टाइम लगता है उतना 25 ml लुब्रिकेटिंग ऑयल नीचे आने के लिए कितना टाइम लगता है वो हम मेजर करने वाले हैं, फ्लो रेट मेजर कर रहे हैं. सो पहले हमने 35 डिग्री को निकाला है, अब हम ये क्या कर रहे हैं 40 डिग्री को. ऑयल का टेम्परेचर 40 डिग्री है, तब पानी का जो टेम्परेचर था कितना था 46 डिग्रीज था. अब ये कितना टाइम लगता है निकालने वाले हैं. ओके नाउ दिस ऑल द ऑयल इज कलेक्टेड इन दिस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप द स्टॉप वॉच. ओके सो हियर यू हैव टू रिकॉर्ड द टाइम ऑल्सो, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ ऑयल एंड फ्लो रेट. फ्लो रेट मीन्स यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड द टाइम रिक्वायर्ड टू कम दैट ऑयल 25 ml ऑयल फ्रॉम दैट जेट टू दैट फ्लास्क.